देहरादून से ऋषिकेश के रास्ते रास्ता भाई इतना खूबसूरत है यार भाई, देख रहे हो ना क्या ही नजारा है। अभी तो यार ये रास्ता है, देखते हैं ऋषिकेश में और कैसा क्या माहौल होता है। ये कुछ गजब सा माहौल हमको दिखा तो गाड़ी हमने यहीं पर टिका ली। और भाई साहब काफी ज्यादा सुंदर नजारा है यार, जरा साइड हट जाओ नहीं तो हमको कोई ऐसी तैसी कर जाएगा। पेड़ ही पेड़ है भाई, लंबे लंबे पेड़ भाई, ये देखो भाई लंबे लंबे पेड़। पीछे ही चलेंगे बनी गाइस, हम लोग रात में आए हुए हैं लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में, लेकिन यहाँ पर अभी काम चल रहा है लक्ष्मण झूले पे तो ये बंद कर रखा है। बाकी ये सामने से कोई मंदिर भी हमको दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, पता नहीं कौन सा मंदिर है। आगे चल के नाम पढ़ते हैं तो बताते हैं, ओमकारानंदा दीपेश्वर मंदिर, नीट एंड क्लीन। और ये देखो भाई, ये सामने से भी भाई कुछ नज़ारा ऐसा ऐसा है, मंदिर वगैरह ही बने हुए हैं। बाकी ये आना बर्बाद हो गया। हम क्या कर रहे हैं, चलो चलो। लक्ष्मण झूला तो देख नहीं पाए हम लोग क्योंकि उस पर कार चल रहा है, तो अब आए हैं हम लोग रावण झूला देखने। रावण झूला देख के जाएंगे, यहाँ पर लौंडे भी हैं तो अभी यहीं जाया जाएगा। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, पर और भी भाई बंधु दोस्त वगैरह आते हैं। भाई नीचे जा सकते हैं, नीचे जा सकते नीचे। चलो चलो, अच्छा अच्छा, पर एक रावण झूला और यहाँ पे यही है, नहीं राम झूला। हाँ यार जलवाइए चले यार। ये हम लोग जाते हुए राम झूला पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है दूर से तो, और रात का टाइम है तो ज़्यादा खूबसूरती समझ में आ रही नहीं है। तो कोई नहीं, अपन काम चलाते हैं। और नीचे आ गए हम लोग फाइनली, रात का वास्ता। और भाई ये रहा अपना राम झूला, और लोग बाग है यहाँ पर बढ़िया। ये हम लोग प्रवेश कर रहे हैं राम झूला पर। ओ भाई खूबसूरत है। हाँ कौन बोल रहा, अच्छा कहे अच्छा अच्छा अगर उजाला होता तो आसपास की भी खूबसूरती हम लोगों को दिखाई देती, जैसे कि पहाड़ वगैरह हैं जो कि अभी तो विजिबल नहीं है। अगर सुबह का टाइम होता तो ये इजीली विजिबल होते जो कि मुझे दिख रहे हैं, अब हमारे कैमरे में नज़र नहीं आ रहे। हाँ हिल रहा है भाई झूला, झूला इसीलिए झूला बोलते हैं। ओके आई गॉट द पॉइंट। तो भाई हम लोग इस टाइम हैं लक्ष्मण झूले पे, लक्ष्मण झूला है राम झूले पे हैं हम लोग। जो लक्ष्मण झूला है उस पर तो काम चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पर जा ही नहीं पाए हैं, तो वहाँ जाना वेस्ट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आना वर्थ इट हो गया, यही ठीक है, पैसा तो वसूल हुआ है। वैसे ऋषिकेश यार मत आना, ऋषिकेश में कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी जेब में थोड़ा पैसा है तो सिर्फ राफ्टिंग कर सकते हो यहाँ पे, बाकी और कुछ भी नहीं, सब बेकार है। मैं इतने दिन से सजा हुआ बैठा था कि भैया ऋषिकेश जाऊँगा, घूमने जाऊँगा, मुझे लगा था होगा यार देहरादून जैसी तो कम से कम जगह होगी या मसूरी जैसी होगी भाई, पहाड़ वहाड़ बढ़िया से होंगे, लेकिन ऐसा भाई कुछ नहीं है यहाँ पे यार। भाई सीधी रोडें हैं, ना पहाड़ का मज़ा देती है ना किसी का मज़ा देती। जब तक ये पहाड़ मतलब होता है ऐसे 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 ना जाओ तब तक मज़ा कहाँ है भाई, तो यहाँ वो मज़ा है ही नहीं, तो क्या करेंगे आके। बस ले दे के एक ही चीज़ है, राफ्टिंग कर लो, और ये राम झूला है लक्ष्मण झूला है, इस पर टहल ही रहे हैं, और क्या करेंगे आके। तो भाई ऋषिकेश जगह मुझे यार थोड़ी जमी नहीं, बाकी सब अपना अपना देख लो भाई, जैसा भी तुमको सही लगे। कहीं घूमने का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कर लो, चलो यहाँ से चलते हैं।
यहाँ आना तो भाई बर्बाद हो गया। और वो जो मेरे पीछे है, पीछे दिख रहा है वो रावड़ झूला है, और इस साइड में लक्ष्मण झूला है जो कि देख नहीं रहा, उसका काम चल रहा है। अभी मैं गया था, उसका भी वीडियो बना के लाया हूँ, वो भी अटैच कर दूंगा। ऋषिकेश में बस यही है और कुछ नहीं है। और हम लोग देहरादून से जब चले थे तो थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि वो पेड़ वगैरह वो काफ़ी सुंदर लग रहे थे। वो तो भी अच्छी जगह है, वहाँ पर अगर रुका जाए तो बढ़िया है, बाकी यहाँ तो कुछ है नहीं।